अपना खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में चरमराई पुलिस व्यवस्था, 25 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म। मध्य प्रदेश में बलात्कार के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश जंगल राज की ओर आगे बढ़ रहा है। बेलगाम होते बलात्कारी एक के बाद एक घटना को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस घटनाओं को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही, बल्कि मूक दर्शक बन इन घटनाओं के बाद ही खाना पूर्ति का काम कर रही है। इसलिए पुलिस का खौफ बलात्कारियों और असामाजिक तत्वों को बिल्कुल नहीं रहा। अन्यथा बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने से पहले बलात्कारी हजार बार सोचता। नहीं रहा। ये जो आपके यहाँ पर कल रात की मैं आपकी पत्नी के साथ घटना घटी, क्या है पूरा मामला बताएं। सर जी, मैं काम पर गया था तो लेट आया थोड़ा। सुबह गैया बियाने वाली थी, गैया बछड़ा होने वाला था, वहाँ बरस हो गया। क्षति होने के कारण मेरी लग गई। थोड़ी देर बाद ये चिल्ला नहीं कमरा में सो रही थी, थोड़ी 10-15 मिनट की दूरी पर। मैं गया तो वो नारायण सिंह जानी उससे कपड़े से काम कर रहा था। मैंने चिल्लाया, उसमें मार के भगने लगा, मेरे भाई ने पकड़ लिया उसे। नंबर आ गई तो मामला कायम हो चुका। मामला कायम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ उसे कड़ी कड़ी सजा मेरे। फांसी तो फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। आप न्याय 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 के लिए क्या मांग करते हैं प्रशासन प्रशासन से, क्या क्या सजा मिल रही है आपको? मैं कानून से रह सके ऐसे आज मौका है। अभी लोगों ने वो ठीक कम है, आज ही जितनी सजा दे सके। गरीब लोग हमें कुछ कर ही ना पाएंगे, पैसे फेंक देगा वो तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं। बताऊँ क्या करना चाहिए, अकेले सामान के हम तो उनकी बस्ती। अभी तक अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट हैं साहब, हम तो कार्रवाई हो गई उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, अब कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो रहा है, बड़ा अभी संतुष्ट हुई है। ठीक है मैम, आज जो मामला आया है जो 376 से संबंधित बताया जा रहा है, पूरा क्या मामला है? हमारे पास कल ही रात की घटना है, थाना प्रभारी को 10 बजे से 12 बजे के बीच की घटना है कल रात की। जैसे ही हमें पता चला कि महिला जब आई अपने पति के साथ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, हमें जिस प्रकार उसने सूचना दी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, हमने तत्काल आरोपी की खोज में यहाँ से टीम रवाना की और हमने आरोपी को गिरफ्तार कर भी लिया है। और हमने आज सुबह मुकदमा पंजीबद्ध किया है 376 और धारा 450 का, और पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। और कुछ इसके बाद आगे जो पीड़ित के इस प्रकार के बयान होंगे उसके आधार पर केवल दो ही धाराएं लगाने की गुंजाइश नहीं है इस केस में? अभी इस केस में जो सबसे बड़ी धारा है वो हमने लगाई है। इसके अलावा अगर हम कई जिस प्रकार जो अपराध हुआ है उसके साथ अगर हम वही लगाते हैं तो उसका ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, अगर हम कोई अन्य धारा लगाएंगे तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए हम एक मतलब जैसा कि हमारा काम है तो हम एक एक्चुअल कार्रवाई करना चाहते हैं, और जिस प्रकार संभव हो तो हम हर प्रयास करेंगे कि पीड़िता के साथ न्याय हो और आगे ऐसी कोई घटनाएं ना हो। इसके लिए भी हम निरंतर समाज में प्रयास करेंगे और अवेयरनेस फैलाने के भी काम करेंगे। इसके अलावा और कोई पीड़ित ने कोई आपके लिए ऐसी कोई बात बताई कि जिससे कि उनके सामने वाले जो है आरोपी उनके खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, कोई बात बताई कि पीड़ित पीड़िता ज्यादा अभी
सदमे से गुजर रही है, क्योंकि कल रात की ही घटना है। जब हम आगे उसके बयान लेंगे तब अगर हमारे समक्ष कोई ऐसी बात आती है तब हम धाराओं में इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनती है, अभी जिस प्रकार पीड़िता ने जो अपने बयान दिए हैं, तो अभी की स्थिति में यही दो धाराएं बनती हैं। साथ ही जो पूरा घटनाक्रम है वो कहाँ पे घटित हुआ है, उसके घर पे हुआ है और किस तरीके से हुआ है? ये जो पूरा घटनाक्रम है ये ग्राम मृगावली में उसके घर में ही घटित हुआ है। जो पीड़िता एक अलग जगह पे सो रही थी और उसका जो पति है वो अलग, एक जो गाय उसकी होने वाली थी, गाय का बच्चा होने वाला था, तो वो एक अलग जगह पे सो रहा था। जैसे ही उस पीड़िता ने चिल्लाया तो उसका पति 10 से 15 फीट की दूरी पे था, तो जैसे ही उसको पता चला तो वैसे ही आरोपी उसको खोला उसने गेट और आरोपी भाग गया। तो आरोपी क्या भाई उसी ग्राम का निवासी है? आरोपी भी उसी ग्राम का निवासी, मृगावली ग्राम का।